तो स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री से। हम बात कर रहे हैं किसके, हम बात कर रहे हैं जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चन की। ओके, जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 2023 में प्रीलिम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यार, है ना। तो मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मार्च का हो चुका, फरवरी का हो चुका, अभी जनवरी का हो जाएगा। सो दैट पार्ट है, हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ओके, उसमें हम करंट अफेयर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट अ पुअर कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछा क्या गया हमसे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, लेवल है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो नहीं है, मेरे लिए तो आसान है, आप देख लो अपने लिए, है ना। इट इज नॉट अ पुअर कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पुअर कनेक्टर नहीं है, मतलब गुड कनेक्टर हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया, गुड कनेक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कनेक्टर कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो सिलीनियम है ना, जो सिलीनियम है ना, वो क्या है, इट इज कंडक्टर ऑफ। देखो, ये सिलीनियम जो है वो किसके अंदर आता है, 34 एटॉमिक नंबर है ना। इट इज अ मेटलॉइड, इट इज अ मेटलॉइड, मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल प्रॉपर्टी दोनों होती है, मेटल प्लस नॉन मेटल प्रॉपर्टी दोनों होती है। सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। हमको बात किसी करनी है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करनी है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, लेवल है मॉडरेट। दे आर गिवन ओनली टू इंडियन नेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। क्या ये सिर्फ सिर्फ इंडियन नेशनल्स और इंस्टीट्यूशंस को दे हैं, बिल्कुल सही है। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिला जाता है। सो ऑनली देखे गद मत कर देना। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट। उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज ऑनली विनर फॉर 2023। ये गलत है, बिकॉज दो विनर थे हमारे पास, एक उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसके साथ लुंगलाई, लुंगलाई फायर स्टेशन। LFS जो कि कहाँ का है, मिजोरम का है। इन दोनों क्या मिला है, इन दोनों को मिला है अपने पास सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सो ये गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर इन इंडिया। हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर की हमको बात की गई है, लेवल क्या है, इजी है भाई। हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, परमवीर चक्र इज दी हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, उसके साथ साथ अशोक चक्र है, ठीक है ना। परमवीर चक्र इज दी हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर एंड अशोक चक्र भी हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, बिकॉज परमवीर चक्र ड्यूरिंग वॉर टाइम, परमवीर चक्र इज ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड अशोक चक्र इज ड्यूरिंग पीस टाइम। ओके, मतलब जैसे अशोक चक्र मतलब समझना, पीस टाइम मतलब कुछ हुआ नहीं तब भी अपने, जैसे कि अपने एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो एग्जाम्पल है नीरजा बानन। सो इट इज ड्यूरिंग द पीस टाइम, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बोथ वन एंड टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 है, द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन की। किसकी बात करनी है, स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन की। दे आर बींग बिल्ड इन कोलेब्रेशन विथ फ्रांस। जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है उसको क्या हमने फ्रांस के साथ कोलेबरेटर के बनाया है, बिल्कुल सही है। दे आर स्टिल्थ सबमरीन, बिल्कुल सही है। स्टिल्थ सबमरीन का मतलब ये है कि ये नॉइज़ बहुत कम करते हैं ना, आवाज़ बहुत कम करते हैं। फाइव सच सबमरीन हैव बीन इंडक्टेड इन टू अ नेवी टिल डेट, बिल्कुल सही है। पाँच जैसे नेवी हमारे पास लाए गए, जैसे कि INS खंदेरी, INS खरांज, INS वीला, INS वगीर, INS वंशीर। ट्रू पूछा है, ट्रू हो जाएगा डी, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इम्यून इम्प्रिंटिंग। हमको बात किसी करनी है, इम्यून इम्प्रिंटिंग की बात करनी है। इट इज अ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट ट्रांसफ्यूजन ऑफ वाइट ब्लड सेल। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस mRNA वैक्सीन। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स ऑन फेसिंग अ सिमिलर थ्रेट एज बिफोर, बिल्कुल सही है। इम्यून इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, अगर सिमिलर थ्रेट मिलेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम का टेंडेंसी है टू रिपीट द इम्यून सिस्टम। ओके,
106 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में क्यों मेजर करते हैं? भाई ये इजी क्वेश्चन है, 2021 में आ चुका है। क्यों मेजर करते हैं? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ठीक है, उसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। व्हाट इज एफएक्स? देखो ये न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था जनवरी में, इसीलिए यहाँ से पूछा गया है। एमफेक्स की बात करनी है, किसकी बात करनी है? एमफेक्स की बात करनी है, ओके। इट इज अ ट्राई सर्विस कंबाइंड एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। व्हाट इज एमफेक्स? एमफेक्स इज अ ट्राई सर्विस कंबाइंड एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। कौन कौन के साथ मिलकर बनाया गया है इसको, किसके किसके साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग नोरो वायरस। हमको बात किसकी करनी है? नोरो वायरस की बात करनी है। मॉडरेट लेवल का यह क्वेश्चन है यार, ओके। इट स्प्रेड थ्रू शेयरिंग ऑफ फूड। बिल्कुल सही है, जो नोरो वायरस है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फेक्शियस पर्सन के साथ शेयर फैलता है ना। ये देखना है फीको ओरल रूट किससे ट्रैवल होता है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सो फीको ओरल मतलब खाने को शेयर करने से होगा, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाने से होगा। टचिंग ऑफ द सर्फेस, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको छुआ है उसको छूने से होगा। एंड इट कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। नोरोवायरस का करता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, क्योंकि इट इज एन एंट्रिक पैथोजन, पेट को अफेक्ट करता है, इट इज एन एंट्रिक पैथोजन। इट इज मोर कॉमन ड्यूरिंग विंटर्स। बिल्कुल से, जो नोरोवायरस है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर वोमिटिंग बग। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, सबके सब सही है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच दी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसी करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करनी है, इजी क्वेश्चन है। DGCA इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो DGCA है, DGCA का फुल फॉर्म क्या है ब्रो? DGCA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गलत बात है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज इनकरेक्ट। इट एनफोर्स सिविल एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द कंट्री, है ना, बिल्कुल सही है, सिविल एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखता है, ओके। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, टू ऑनली। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, टू ऑनली। 110 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको ट्रू बताना है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, इजी है। 2024 हैज बीन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नो, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है, सो वन इज इनकरेक्ट। सेकंड नंबर है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट है दुनिया के अंदर, हमसे पूछा गया है। बिल्कुल सही है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। क्वेश्चन नंबर 111 है, विद रेफरेंस टू द फोर्स लेबर दैट इज विश्ती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना, विश्ती जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार। हमको बात किसकी करनी है? फोर्स लेबर दैट इज विश्ती इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ शॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। इट इज टोटली ऑप्शन, देखो एक्सट्रीम वर्ड। द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू अ वीकली वेज, ओके। तो फोर्स लेबर क्या वीकली वेज के लिए एंटाइटल्ड थे? गलत। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वेर सेंट एज अ फोर्स लेबर। नो, इट इज नॉट द एल्डेस्ट सन, द ओल्डेस्ट सन, ओके, नॉट द एल्डेस्ट सन, द ओल्डेस्ट सन, ओके। मतलब विस्ती के अंदर तो एल्डेस्ट सन कैसा कोई नहीं था, मतलब एनी वन कैन बी सेंट एज अ लेबर फॉर विस्ती, नेसेसरली इट इज नॉट एल्डेस्ट सन, ओके। तो यहाँ पे सही क्या है विस्ती के लिए? इट वॉज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ स्टेट, अ शॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ऐसा मैं नहीं बोलता भाई, सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बोलता है कि विस्ती इज अ फॉर्म ऑफ वॉट, इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस दैट पीपल्स आर सॉट टू पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू।
विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है नॉट ट्रू बताना है अपने को, क्या बताना है नॉट ट्रू, ठीक है। लेवल क्वेश्चन का मॉडरेट है यार, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है बताओ भाई गलत क्या है, नॉट ट्रू। द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो इंडिया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल देती है, ठीक है ना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, दैट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन इज द फर्स्ट स्टेशन इंडिया टू रिसीव द सर्टिफिकेट, क्या विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन इज द फर्स्ट स्टेशन, नो, द फर्स्ट स्टेशन इज भंगालपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। सो बहुत सारे मतलब मैं सब सोचता हूँ कि बहुत सारे और भी स्टेशन जिनको मिला हुआ है ना, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू, ओके, नॉट द फर्स्ट, है ना। इससे पहले भी हमको क्या मिल गया, सेंट्रल रेलवे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन जो है उसको मिल चुका है, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे नॉट ट्रू पूछा, नॉट ट्रू तो दोनों है यहाँ पे, जो छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, दिल्ली के मुंबई के अंदर, उसको भी मिल चुका है यार। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेवल क्या है इसका, मॉडरेट। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर मिशन इन दिसंबर 2022, क्या इंडिया ने अपना पहला सोलर मिशन दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है, नो भाई, अभी तो इंडिया लॉन्च करेगा आदित्य L1, ओके, कब, जून या फिर जुलाई में लॉन्च करेगा, ठीक है ना, इसरो इज ट्राइंग टू लॉन्च, ठीक है, आदित्य L1 जून 2023 में लॉन्च करेगा, दिस इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली, ओके, इट इज प्लेस्ड एज लांगराज पॉइंट 1, बिल्कुल सही है, आदित्य L1 इसीलिए बोला इसको, एंड आदित्य 1 विल स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर एंड सोलर विंड पैटर्न अमंग अदर थिंग्स। 1 and 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन अराउंड इजिप्ट, हमसे ये पूछा है कि इजिप्ट के इन अराउंड कौन कौन सी चीज लोकेटेड नहीं है, के? क्या पूछा है, नॉट लोकेटेड अराउंड इजिप्ट, ओके, कौन कौन सी चीजें इन अराउंड लोकेटेड नहीं है इजिप्ट के, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन है डिफिकल्ट, क्वेश्चन कैसा है डिफिकल्ट, ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है ये, ओके, सो लेक विक्टोरिया इजिप्ट के आसपास है क्या, नहीं है भाई, बहुत दूर है, लेक विक्टोरिया तो बहुत दूर है यार, है ना, सो फर्स्ट इज नॉट लोकेटेड अराउंड, ठीक है, तो नॉट तो हमारे पास 1 होगा, मतलब मेडिटेरियन सी या आस पास है तो ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा अपने पास, है ना, रेड सी भी आस पास है क्या, यस आस पास है, गल्फ ऑफ एडन आस पास है क्या, नहीं गल्फ ऑफ एडन आस पास नहीं है, तो 1 and 4 जो है वो आस पास नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, हमसे पूछा क्या है करेक्टली मैच, लेवल क्या है इजी, रिसेशन क्या है, डिक्लाइन इन द ग्रोथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, बिल्कुल सही है, एंड स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है, डिफ्लेशन मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन, नो, स्टैगफ्लेशन का मतलब स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन नहीं होता, है ना, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन, इट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन, एंड डिफ्लेशन मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का जो बढ़ रहा है बट धीरे धीरे जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है, मतलब जो दर है उसका बढ़ना, पहले 10 रुपये बढ़ जा रहा है, फिर 5 रुपये बढ़ रहा है, फिर 3 रुपये बढ़ रहा है, फिर इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट जो रेट है उसका कम हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, नेगेटिव इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है, प्लस स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इसीलिए तो क्या बोला स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज इन करेक्ट, कैट पूछा है, कैट हो जाएगा सी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, इजी है, हमसे इजी पूछा है भाई, PYQ है ये, ठीक है ना, ये क्या है, PYQ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी,
ओके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। बिल्कुल सही है यार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजन लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। बिल्कुल सही है यार, ऐसा लगे लोगों को, बट इट इज नॉट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड अबाउट जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मैंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 117 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। हमको बात किसकी करनी है, इंटरिम गवर्नमेंट की बात करनी है जो कि 1946 में फॉर्म हुआ था। द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज इलेक्टेड इन अगस्त 1946। The election to the Constituent Assembly was not direct and representatives were elected by the provincial assemblies. क्या election direct नहीं था क्या? Election direct नहीं था, बिल्कुल सही है। जो representatives थे वो provincial assemblies से लिए गए थे। Second है गाजनफर अली खान वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये सही कि गलत है? नो, गाजनफर अली खान वॉज द हेल्थ मिनिस्टर एंड नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा ए वन ऑनली, करेक्ट किया जाएगा ए वन ऑनली। क्वेश्चन नंबर 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। पश्मीना शॉल गेन्ड मच प्रोमिनेंस इन द डेज ऑफ द मुगल एम्पायर एज ऑब्जेक्ट ऑफ रैंक एंड मोबिलिटी। बिल्कुल सही है, पश्मीना शॉल मुगल एम्पायर के समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एंड देर आर टू ब्रीड्स ऑफ पश्मीना गोट इन इंडिया, दैट इज चिगू एंड चंगतांगी। बिल्कुल सही है, दो इसके क्या हैं ब्रीड्स हैं, चंगतांगी एंड चिगू। कश्मीर पश्मीना हैज़ बीन अकॉर्डेड अ जी आई टैग। बिल्कुल सही है, जो कश्मीर का जो पश्मीना था उसको तो जी आई टैग दिया गया 2013 में। करेक्ट हमसे पूछा है क्या? यस करेक्ट, हमारे पास है 118 का, हमसे पूछा गया, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 119 है, दी पेंट्रापोल बीनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है पेंट्रापोल बीनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की, विच सर्व टू फोस्टर ग्रेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड। ठीक है, तो जो पेंट्रापोल बीनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो किसे किसके बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 120 है, विद रेस्पेक्ट टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। बात करनी है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। लेवल हमसे पूछा गया है, इनकट है ना, लेवल क्या है, डिफिकल्ट है भाई, इनकट हमसे पूछा है। The offence under the Act are cognizable and bailable. Child Marriage Act of 2006 में जो offence है वो क्या है, bailable है क्या? No. These are cognizable, मतलब संज्ञेय अपराध हैं, and these are संज्ञेय अपराध and these are non-bailable. Cognizable में संज्ञेय अपराध, स्पेलिंग मेरे को थोड़ा समझने, हिंदी में थोड़ा दिक्कत आती है सब बोलने में, और हिंदी अंग्रेजी दोनों दिक्कत है मेरे को। तो भाई चाइल्ड मैरिज आर ऑटोमेटिकली इनवैलिड, ठीक है ना, चाइल्ड मैरिज बिल्कुल इनवैलिड हो जाते हैं, 18 साल से नीचे का आप शादी करोगे तो आप इनवैलिड ही है वो मैरिजेस। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कैन टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिलायबल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही है, खुद से ही क्या कर सकते हैं, अपने पास एक्शन ले सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा कि इनकैट पूछा भाई। ओके इनकैट हमसे पूछा है, तो चाइल्ड मैरिज आर ऑटोमेटिकली इनवैलिड बोला, ठीक है ना, चाइल्ड मैरिज आर ऑटोमेटिकली इनवैलिड, नो दिस आर नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिड, ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होगा। जो लड़की जिस साइड की है उनके लिए तो ये वैलिड होगा, बट बाद में जो लड़की होगी जब वो बाद में अगर केस फाइल करती है कि मैं मेरे चाइल्ड में हुआ था, मैं नलीफाई करना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है। ओके इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिड। ओके
सो आंसर इज ए, वन एंड टू इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2007 लेवल का है, डिफिकल्ट। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज सेम है क्या भाई? बिल्कुल सेम है। ओके ये बात करता है कि दोनों का प्रोविजन जैसा है सेम है भाई, सेम है, मान लो सेम है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में नहीं रहेगा, ये तो गलत है भाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं रहेगा ये लिखा है, नॉट इन एनी अथॉरिटी इन इंडिया लिखा है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिमूवल का दोनों का सेम है मोड, उसका मतलब क्या है भाई? दोनों का ग्राउंड सेम है, मतलब दोनों को प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में रिमूव किया जाता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल टॉक करता है अबाउट द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज के रिमूवल के बारे में 217 आर्टिकल टॉक बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में आर्टिकल कौन सा बात करता है? 124 बात करता है। तो कट हो जाएगा ए। ओके क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज आर ट्रू? हमको बात करनी है ट्रू की। लेवल क्या है? डिफिकल्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन कैस्पियन और मेडिटेरेनियन सी, बिल्कुल सही है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कैस्पियन या फिर मेडिटेरेनियन सी दोनों जगह ओरिजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन कैस्पियन सी तो गलत मत कर देना, इट इज करेक्ट। एंड देयर कैटेगरीज इज एक्स्ट्राट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, यस बिल्कुल सही है, दीज आर एक्स्ट्राट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 123 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यूएनएससी हैज 10 मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है ना। तो यूएनएससी के क्या 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? बिल्कुल सही है ना। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं भाई? 5 परमानेंट हैं एंड 10 नॉन परमानेंट हैं, ठीक है ना। यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, एंड जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? 5 परमानेंट मेंबर हैं अपने पास, फ्रांस हो गया, रशिया, फ्रांस रशिया यूनाइटेड, फ्रांस रशिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। ओके फ्रांस यूके रशिया चाइना यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं किसके? यूएनएससी के। एंड इट रिकमेंड न्यू मेंबर्स टू बेरेड इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बिल्कुल सही है। जो यूएन यूएनजीएम में नए मेंबर को ऐड करना है उसको रिकमेंड करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया इज करंटली नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, अभी तो नहीं है इंडिया यूएनएससी का मेंबर, जनवरी की बात है ना, तो अभी तो नहीं है, सुधीर से अभी भी नहीं है, अगस्त में था भाई। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ए, 1 और 2 ओनली, उसमें चेयरपर्सन था। विच ऑफ दी स्टेटमेंट, अगस्त मतलब 23 की 22 विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दी वेस्टर्न घाट्स? हमको बात किसकी करनी है? वेस्टर्न घाट्स की बात करनी है। दे आर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल सही है। दी हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज नडी हिल्स, क्या वेस्टर्न घाट का हाइएस्ट पॉइंट नडी हिल्स है? नो, दी अन्नामुडी हिल्स आर दी हाइएस्ट पॉइंट, सो फर्स्ट इज, सेकेंड इज इनकरेक्ट। इट इज एन इम्पॉर्टेंट वाटर डिवाइड फॉर इंडिया, बिल्कुल सही है, एक वाटर डिवाइड है, बिकॉज जो ईस्ट साइड होता है वो तो बारिश कर देता है इधर इधर, बट ईस्ट साइड जो होता है वो बारिश नहीं कर पाता, ठीक है ना। करेक्ट पूछा गया, ट्रू पूछा, ट्रू हो जाएगा सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हमसे नॉट ट्रू पूछा है भाई। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है इजी। गांधी जी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915, बिल्कुल से 1915 के 9 जनवरी को ये आए थे इंडिया। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नो, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ए आर ह्यूम 1985 में बना था। He first demonstrated his system of सत्याग्रह during the अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, नो, पहली बार चंपारण में 1917 में, अहमदाबाद तो 1918 में हुआ था। सो हमसे करेक्ट पूछा है कि नॉट ट्रू पूछा है? नॉट ट्रू पूछा, याद रखना क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। आंसर इज बी, दैट इज 2 और 3 ओनली। 126 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी, हमको बात किसकी करनी है? इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल के रॉ मटेरियल के फॉर्म में, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल में हम किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कासावा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कासावा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कासावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डैमेज्ड वीट ग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राउंड नट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ग्राउंड नट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ओके, हॉर्स ग्राम का कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। रोटेन पोटेटो का कर सकते हैं क्या? यस, रोटेन पोटेटोज का कर सकते हैं। सुगर बीट का कर सकते हैं क्या? यस। देखो, हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखना, तीन बार बोल चुका हूँ, हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ग्राउंड सीड, ठीक है ना, जो मूंगफली है उसका भी इस्तेमाल आप बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑयल्स। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6 करेक्ट क्या है? 1, 2, 5, 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 127 है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1992। नो, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये तो हमने मार्च में भी कवर किया था ये क्वेश्चन को। देखो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड माइनर, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। माइनॉरिटीज वाला एक हमने पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। दिस थ्री आर व्हाट? दिस थ्री आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट के लिए, आर्टिकल 338 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, आर्टिकल 338B शेड्यूल OBCs के लिए। ओके, उनका अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट बोल दूं क्या? यस, 89 अमेंडमेंट से क्या हुआ? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से क्या हुआ? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 से क्या हुआ? 2023 से क्या हुआ? मैं तेज इसलिए बोल रहा हूं कि धीरे जाता नहीं है यार। ओके, सो यहां पे इसलिए हुआ, इसमें क्या हुआ, जो एनसीबीसी था, सॉरी एनसीएसटी और एनसीएससी था, वो दोनों एक ही था, उसको अलग अलग कर दिया गया। और उसके बाद जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2018 में, उसमें क्या हुआ, एनसीबीसी बनाया गया। सो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टेटरी बॉडी, जिसको एक नियम से बनाया गया था, पार्लियामेंट के एक नियम से बनाया गया था। कौन से नियम से? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट ऑफ 1992 से बनाया गया था। सो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी, इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी एंड इट इज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइज करते कि यार देखो इस वुमेन में, यहाँ पे वुमेन्स अफेक्ट हो रहे हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लो। सो ट्रू हमसे पूछा है, ट्रू हो जाएगा बी। 128 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, करेक्ट हमसे बताना है। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1960, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुआ था क्या? बिल्कुल सही है। इंडिया गॉट ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर फ्रॉम इंडस सिस्टम अंडर द ट्रीटी। बिल्कुल सही है, इंडस सिस्टम जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग हमारे को उसी 20% पानी मिला, बाकी 80% पाकिस्तान को मिलेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। 129 नंबर क्वेश्चन है ना, हमको बात करनी है, क्वेश्चन पेपर कैसा है? मॉडरेट है। हमको बात किसकी करनी है? नॉट ट्रू स्टेटमेंट की बात करनी है। दी वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना वॉज एन एंटी नेटल पॉलिसी दैट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। नहीं भाई, कुछ समय है ना, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, 1980s में स्टार्ट हुआ था चाइना ने, जो चाइना का आज़ाद हुआ हमसे बाद, अच्छा हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे से ज़्यादा डेवलप इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ दी पॉलिसीज। पॉलिसी से कुछ नहीं होता ब्रो, पॉलिसी से कुछ नहीं होता, किस्मत था उसका। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास बात कर रहे थे कि हाँ, वन चाइल्ड पॉलिसी क्या उसके इंडिपेंडेंस के बाद ही आ गया? नहीं, 1980s में आया था वन चाइल्ड पॉलिसी तो। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि आज़ाद चाइना 1949 में हुआ था। दी वन चाइल्ड पॉलिसी केम टू इंडिया 2015-16। बिल्कुल सही है, 2015-16 में वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दिया, बिकॉज उसका पॉपुलेशन जो है डिक्लाइनिंग फेज था, बस जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से फायदा उठाया ना चाइना, आगे बढ़ गया। और हम फायदा उठाएंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ओके, और यही समय है जब US डाउनफॉल हो रहा है, तो चाइना को आगे बढ़ने दो, इंडिया के साथ में आगे बढ़ जाए। चाइना हैज सीन अ रिडक्शन इन इट्स पॉपुलेशन फॉर 2 कंसेक्यूटिव डिकेड। बिल्कुल गलत है ना, 6 कंसेक्यूटिव डिकेड है ना, मतलब समझ लेना 6 लगातार दशकों में पहली बार इसका पॉपुलेशन कम होते हुए हमको दिखा। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे क्या पूछा है? नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू तो कोई सा भी नहीं है, मतलब नॉट ट्रू तो सब है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी, वन चाइल्ड पॉलिसी केम टू बी इन 2015-16, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा
सी दैट इज 1 एंड 3। 130 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इन्वेजिव, हमको इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की बात करनी है, लेवल है इजी, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की बात करनी है अपने को। दे रिफर टू द एंडेमिक स्पीसीज दैट अंडरगो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बिकमिंग द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द इकोसिस्टम। ऐसा एंडेमिक स्पीसीज हैं वे, ये एंडेमिक स्पीसीज होते हैं क्या, ये एंडेमिक स्पीसीज होते हैं क्या? नो, दे आर नॉट नेटिव स्पीसीज, दे आर नॉन नेटिव स्पीसीज। बाहर से कोई स्पीसीज को लाओ और ये ग्रो कर जाते हैं, ओके? सो दिस आर नॉट नेटिव एंडेमिक स्पीसीज। दे कैन एंडेंजर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया दे स्प्रेड इन, बिल्कुल सही है, उस एरिया के बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर सकते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 131 है, लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, हमको बात किसकी करनी है, वाटर क्रेडिट की बात करनी है। लेवल क्या है, डिफिकल्ट, 2021 में पूछा गया था। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन दी वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, बिल्कुल सही है, सैनिटेशन सेक्टर में, वाटर सेक्टर में माइक्रो फाइनेंस टूल्स को ये इंप्लीमेंट करता है। एंड इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। नो, ये जो अपने पास वाटर क्रेडिट है इसको water.org ने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, water.org ने। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज water.org, इट इज अ NGO। इट एम टू एनेबल, सो सेकेंड इज इनकरेक्ट, इट एम टू एनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज, बिल्कुल सही है ना, बिना सब्सिडीज पे डिपेंडेड हुए अपनी वाटर नीड को पूरा कर पाए, इसीलिए हमारे पास वाटर क्रेडिट लाया गया था, किसके द्वारा, water.org के द्वारा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में आ चुका है भाई, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझो और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर ध्यान दो। तो ये तो जब से क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम चालू है, जब जो अंग्रेज जब लाए थे ना, अंग्रेज इंपीरियल सिविल सर्विसेज होता था, उस समय से चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ओके? तो ये 300-400 साल हो गए ये सब का कॉन्सेप्ट, तो ऐसा नहीं कुछ नया है, 2-3 पहले हम समझे, ऐसा नहीं है भाई, तो सदियों से चला आ रहा है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी 1 एंड 3 ओनली, सो 1 एंड 3। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 131 क्वेश्चन जो कि जनवरी के मंथ में करंट अफेयर में न्यूज़ में थे, उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व कर। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन बना नहीं पाते, तो क्या फायदा उस करंट अफेयर पढ़ने का। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, 700 क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले 50 तो बनेंगे, और जो करंट अफेयर पढ़ेगा उसको याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। तो सबसे द मोस्ट सबसे आसान तरीका चीज़ों को याद करने का वो है MCQs, ठीक है। सो